नमस्कार दाब सत्यकाल एक्सप्लोर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं सम्राट उपाध्याय। नेपाल द्वारा 56 बैरिकेड को खोल दिया गया है, जिससे बिहार में तबाही का मंजर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बाढ़ की स्थिति इस तरह भयावह हो गई है कि बहुत सारे जिले जलमग्न होने की कगार पर हैं और बहुत सारे जिले जलमग्न हो गए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, साक्षात गंगा नदी दिख रही है। ये पटना का है और पटना में कई जगह पर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बाढ़ की स्थिति क्या, बाढ़ी पूरी तरह से यहाँ पर आ चुका है और बहुत जगह पर पानी का फैलाव, पानी का सैलाब इस तरह है ना, क्षतिग्रस्त जन और यहाँ के जो जीव हैं वो पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। आइए इस वीडियो में देखेंगे कि क्या कुछ है और ग्राउंड रिपोर्ट में क्या कुछ देखने को मिलता है। बाढ़ बहुत ही भयावह रूप ले चुका है और इसका एक मुख्य जो कारण है वो ये है कि नेपाल के द्वारा बहुत सारा पानी को छोड़े जाना, नेपाल का जो बैरिकेटिंग है उसको खोल दिया गया है, जिसमें कि बहुत सारा पानी जो है बिहार में प्रवेश कर रहा है। बिहार की जो भिन्न भिन्न नदियां हैं उनमें मिल चुका है, जिस कारण कि बिहार के बहुत सारे ज़िले जलमग्न हो गए हैं और कुछ जो बचे हुए हैं वो जलमग्न हो जाएंगे, ऐसा या तो फिर उसके कगार पर हैं। मैं अभी पटना ज़िले में हूँ और ये शहर पटना है। पटना की स्थिति मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो पानी का जो कटाव है, पानी की जो स्थिति है, जो पहले दूर दूर हुआ करती थी वो अब शहर से काफ़ी समीप है। जब आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये जो पानी है, गंगा का जो जलस्तर है काफ़ी बढ़ चुका है। मेरे पीछे देखिए आप, एक बार इस विजुअल्स को देखिए, दिखाइए एक बार विजुअल्स को दिखाइए, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रही है और पानी के बीच में आप देख सकते हैं कि स्टीमर की जो रख रखावट है वो कैसे आपको नज़र आ रही है। यहाँ देखिए इस झोपड़ पट्टी को देखिए, आप देख सकते हैं इसके पार भी बहुत सारे जो जिले हैं, गांव है, वो पूरी तरह से डूब गए हैं। पूरे बिहार की स्थिति मैं दिखाऊंगा अपने वीडियो में, सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें कि वहां के लोगों से बातचीत होगी, वहां जो बाढ़ ग्रसित इलाका है वो भी मैं दिखाऊंगा। हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे। आइए कुछ बातचीत करते हैं कि क्या सिचुएशन रही। भैया दो मिनट बातचीत करेंगे, आइए हम आ जाए वहीं पे, क्या हो जाएगा। ठीक है, आते हैं, रुकिए। चलिए थोड़ा सा उधर चलिए, आप दोनों आदमी बैठ जाए, आ रहे हैं। हाँ चलिए, आगे आ जाइए थोड़ा सा। हम आगे आ जाए, ना ना आपने, आप ठीक हैं, उनको कैमरामैन को बोल रहे हैं। हाँ ठीक है। और ग्राउंड रिपोर्टिंग में आपको जमीनी हकीकत मालूम पड़ती है कि क्या हो रहा है, इसलिए मैं हमेशा ग्राउंड की खबरों को दिखाने की कोशिश करता हूं, आपके समक्ष लाने की कोशिश करता हूं और स्थानीय लोगों से भी बातचीत करता हूं कि आखिर स्थिति क्या है। भैया एक बात बताओ आप, यहां पर तो पानी नहीं रहता था पहले, अचानक कैसे आ गया, कब आया और कितना आया? ये नेपाल का पानी छूटने से यहाँ आया है पानी। हाँ नेपाल जो 56 वो गेट खोला है ना, उसी पानी यहाँ रहा है। हाँ। पानी बहुत नीचे चला गया। नेपाल जो है ना, नेपाल का जो बैराज है, जो कोसी गंडक बैराज इसको कहते हैं, वो 56 बैरिक को खोल दिया है, 56 फाटक को खोल दिया है और 56 फाटक को खोलने के कारण या वजह से जो आप माने पूरी जो बिहार की सरजमी है उसमें सैलाब सा आ गया है। बाढ़ की स्थिति कितनी भयावह हो गई है आप देख सकते हैं। ये तो पॉर्स इलाका है पटना का, फिर भी आप देखिए किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ये बताइए पानी अचानक आ गया, कब आया पानी? ये 2 से 3 दिन में आया है। दो से तीन दिन। और ये जो पीछे जो नाव सब रखा हुआ है वो वैसा ही था? हाँ वो ऐसा ही है। हाँ मतलब नाव ये टिक गया है, पानी जो पिछले 6 बेर में आया था ना। हाँ। तो पानी हटने के कारण ये टिक गया है। अच्छा अच्छा। हाँ। यहाँ पर पहले तो इस तरह का नहीं था? नहीं पहले नहीं सूखा था। कितना तक सूखा था यहाँ पर? सूखा था जहाज के बाद तक। अच्छा, आप ये जो देख सकते हैं, ये जो जहाज लगी हुई है, थोड़ा दिखाइए, ये जो जहाज लगी हुई है छोटा सा, उसका जो स्टैंडी है, हाँ MV क्वाटिलिया इसका नाम है, वहाँ तक पूरा सूखा रहता था, चूंकि सब कुछ अब डूब गया है इधर का,
पटना की और भी स्थिति काफ़ी नाजुक होती जा रही है। और अभी तो जितना नेपाल से पानी आता जाएगा और अन्य नदियों में मिलेगा, जैसे कोसी हो गया, गंडक हो गया, गंगा हो गई, और भी छोटी छोटी बहुत सारी नदियां हैं बिहार में, सब में मिक्स होता जाएगा और बाढ़ का जो रूप है और भयावह होता जाएगा। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर साइड में बहुत सारे लोग टेंट लगाए हुए हैं, सरकार द्वारा है क्या, कैसे? हाँ, सरकार द्वारा है। हाँ, नकटा दियर के लोग हैं, बड़ी डूब गया है सबको। अच्छा। अनदाना में माल जाल के सबका दिक्कत है, तो वही सरकार वहाँ पर टेंट गिराया है आगे जनार्दन घाट पर। अच्छा, कहाँ कहाँ घाट पर गिराया है? जनार्दन घाट पर गिराया है, फिर आगे बिनटोली में गिराया है। अच्छा। रोड के मरीन ड्राइव के किनारे किनारे एकदम गिरा हुआ है गांधी मैदान तक, वहीं पर बिनटोली का लोग वहाँ अपना मतलब रह रहा है, यहाँ पर जनार्दन घाट पर नकटा दियर के लोग रह रहा है। आप कहाँ से हैं? हम नकटे दिया दीघा दोनों तरफ से हैं। अच्छा, दोनों जगह, दोनों जगह घर द्वार है। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम यही चलाते हैं नाव। देखिए इनका नाव देख लीजिए एक बार, नाव को दिखाइए, बहुत ही छोटा और बहुत यूनिक है। यहाँ पर पूरा नाव में आप बैठने के लिए एकदम आप बना दिए हैं बांस का ही, नहीं तो अभी तो आपका बंद होगा कार। अभी पानी से आदमी डर रहा है, नहीं घूम पा रहा है, नहीं घूम पा रहा है, पानी घटने से ही घूम पाता है। कैसे जीवन यापन चल रहा होगा? बड़ी दिक्कत से चल रहा है। और क्या तो बचाए होंगे ना, जो कमाए होंगे? कमाए तो सर जी हम लोग कमाने खाने वाले आदमी है, बचता कहाँ है? नहीं बचता है, बचता कहाँ है, उतना कुछ जब कमाएंगे तब ना बचेगा। अच्छा अच्छा, ये सरकार की तरफ से कुछ आपको सपोर्ट वपोर्ट मिला? सरकार की तरफ से तो अभी कहाँ कुछ सपोर्ट मिला है, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, बस खाली वही वहाँ पर खाना उना मिलता था। अच्छा, वही गाय का चारा उड़ा मिलता था, गाय का चारा उड़ा। ये बताइए आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? ये संजय चौरसिया है। संजय चौरसिया है, हाँ, तो क्या पानी में नहीं निकलते हैं क्या? है ना, कहाँ एको दिन गंगा किनारे दिखाई दिए हैं। अच्छा, तो हो सकता है कि बाढ़ में नहीं निकले, ये भी तो दिक्कत है। हाँ? उनको पानी उनी से डर लगता होगा, डर लगता होगा, आपको भी लगता है? अब हमको डर लगेगा तो कैसे बाल बच्चा खाएगा? नहीं नहीं, हम पूछ रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि उनको डर लगता है? अब उनको डर लगता है तब ना, एको दिन दिखाई नहीं दिए हैं पाटेपुर से लेके यहाँ तक। जिताए तो आप ही लोग हैं ना? अरे तो हम ही लोग, वो हम ही थोड़ी, पूरा जनता ने जिताया है। अच्छा, मिलके जिताए थे आप? पूरा मिला के, मिलके। तो पता नहीं चल रहा अभी कहाँ पे हैं वो संजय चौरसिया जी, है ना? ओके, तो मतलब हमको नहीं लगता है कि बाढ़ में आएंगे, क्या लगता है आपको? बाढ़ में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, चुनाव में आएंगे लगता है। यहाँ के दियर का वो मुखिया जी हैं, यहाँ के जो पटना के अपना जो कोची बोलते हैं, कोची बोलते हैं जो संभाल, डीएम जो बोलते हैं कोची, उनको ना कलेक्टर, हाँ डीएम साहब कलेक्टर, वो कल है वो आए थे जब पिछले पानी आया था। अच्छा। तो वही आए, गाय के सब चारा उड़ा मुखिया द्वारा सब दिवाए हुए हैं। अच्छा। खाना उना बन रहा था, फिर पानी घट गया था, खाना रुक गया था, फिर तो पानी आ गया। पानी कहाँ तक चढ़ा था? ये पानी आगे तक चल गई थी, पत्थर था, पत्थर देखिए अचानक चढ़ जाता है। नहीं, हाँ अचानक चढ़ जाता है। अच्छा अच्छा, एक बात और बताइए आप कि यहाँ पर जब आप लोग अचानक पानी देखे तो फिर क्या किया आप, बचाव उचाव के लिए कुछ किए थे? हाँ, अचानक पानी देखे तो वही नाव सब खोल के दियर में गया था छानने के लिए लोगों को। अच्छा। हाँ, गाय भैंस लाद के लिए आया सब, जानवर फानवर सब। हाँ, नावे द्वारा आया, नाव द्वारा पूरा। अच्छा, ये जो देख रहे हैं रहने के लिए टेंट बनाया हुआ, वहाँ पे पूरा गाय बकरी उकरी लेके चला है आप लोग? हाँ, तब दियर में पूरा डूब गया है, डूब गया है, इसलिए पूरा डूब गया है, तब कहाँ है उसको? उसको, उसको क्या चीज, क्या खिलाते हैं आप लोग उसको? सरकार तरफ द्वारा मिलता है कुट्टी, कुट्टी मिलता है कुट्टी। ना ना, सही है, मतलब आपके नेता खाली नहीं आ रहे हैं, बाकी सब मुखिया उखिया सब आ रहे हैं, पटना के सब टोटल आ रहे हैं, खाली विधायक विधायक जी नहीं दिखाई दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखा दे रहे हैं। हाँ। हो सकता है कि बीमार उमार होंगे, चाहे कुछ दिक्कत होगा? देखिए क्या दिक्कत है, एक बार तो दिखाई देना चाहिए उनको कम से कम। इतना फोन उन किए आप लोग? ना हम लोग फोन नहीं किए। किस क्षेत्र से विधायक है वो? वो दीघा से। दीघा से? दीघा से। हो सकता है कि पानी पानी उनी से उनको एलर्जी होगा, कोई दिक्कत होगा उनको? हो सके। देखिए विधायक जी, अगर आप देख रहे हैं तो आप ही के क्षेत्र से हैं, इनका सामान वान डूब चुका है और इनके लोग परेशान हैं, तो आपके तरफ अगर वीडियो जा रही होगी तो थोड़ा ध्यान दीजिए। समझ सकते हैं बाढ़ है और बाढ़ में कोई घर से नहीं निकलना चाहता है, कौन चाहेगा कि बाढ़ में दह जाए? लेकिन देखिए आप तो नेता आदमी हैं, तो नेता लोग का तो काम ही होता है कि एक दूसरे से सपोर्ट करना, क्या है कि नहीं? हाँ, हाँ, क्या चाहते हैं नेताजी से अपने? एकदम यही, जो लोग दह हो के आ रहा है उनको सपोर्ट करे, खाना पीना खिलाए। एनडीआरएफ के थोड़ी है टीम से दह के बचाएंगे? अरे तो आखिर को वही ना बातचीत करके भेजेंगे, हम लोग से थोड़ी आएगा ये कहिए। तो नेताजी से भी इनका जो है एक रिक्वेस्ट है, बचाने के लिए नहीं बोल रहे हैं आपको कि एनडीआरएफ बन जाइए आप, लेकिन आप आदेश दीजिए कि ताकि आपकी टीम जो है बचाए, है ना? बचाए। अच्छा,
तो अभी आपका परिवार वगैरह कैसे रह रहा है, तो बताइए कहाँ रह रहा है, उसके लिए क्या कर दीघा में रह रहा है लोग के रेंट पर, रेंट पे, रेंट पर सब दियर में डूब चुका है तो सब रेंट पर है। अच्छा, कोई ऐसा भी आदमी को सपोर्ट किया आप जो कि बहुत परेशान था बाढ़ में? किया लोग, आप किए हैं? हाँ, हम लोग किए थे ना, फिर लिया है सरकार तरफ से, कहा ना वो मिला, बाद में ना फ्री हुआ। अच्छा। जब बाढ़ आया तो बाढ़ के समय कहाँ था, बाढ़ में कौन कौन सा क्षेत्र है? उधर पड़ता है नकटा, नौदियरी, मानस, छेतरचक, सब बाकी सब यही है, वो जो गांव है जो पटना जिला में पड़ता है। कौन सा? नकटा दिया। नकटा दिया यही जो लोग रहा है आँख से, हाँ पीछे। अब तो डूब गया होगा पूरा? हाँ, और पूरा डूब गया, पूरा डूब गया होगा। हाँ, जा भी नहीं सकता आदमी? नहीं, नाव से जा सकता तो वही पानी में उतरना पड़ेगा, नहीं तो नावे पर से बात करना पड़ेगा पब्लिक से। बात करना पड़ेगा। अच्छा, जाते हैं कि नहीं उधर गाँव? जाते हैं कभी कल हम लोग घूमने, पूरा पानी सूखेगा तब ना आदमी जाएगा। अच्छा, कहाँ कहाँ बिहार में ज्यादा बाढ़ आया, आपको तो आइडिया होबे करेगा क्योंकि नाव आप रखे हुए हैं। हम लोग को तो मालूम भैया यही तक लेकना है, हम जहाँ रहते हैं, ये छोटा नाव कहाँ जाएगा। अच्छा अच्छा, उधर गए नहीं है, सुने हैं ना कि नाव पूरा बिहार में आ गया है? हाँ, पूरा बिहार में तो सुने हैं, इधर नीचांगा है, कोसी नदी अलर्ट करवाया था ना। तब चलिए देखिए, अब जमीनी बातचीत बहुत जरूरी है, क्योंकि जमीनी बातचीत नहीं कीजिएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है आखिर। तो वीडियो कैसी लगी ये बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करते जाइए और इनके नेता से पास पहुंचाइए, क्योंकि बाढ़ में निकलें कब बाहर घर से, दिन में तो निकलवे करते हैं लेकिन बाढ़ में भी निकलिए तभी ना आप नेता कहलाइएगा जी, क्योंकि वोट तो आप ही को मिलता है। और भी क्षेत्र को देखेंगे, जानेंगे, ज़मीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे आपको। हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बाकी खबरों के साथ जुड़े रहिए एक्सप्लोर वर्ल्ड। मेरा नाम है सम्राट उपाध्याय और आप देख रहे थे एक्सप्लोर वर्ल्ड।